जिद्दी है। तो तुम इस मिशन के लिए मना कर रहे हो? सॉरी सर, सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग देना मिशन नहीं है सर, पनिशमेंट पोस्टिंग है। तुम दोनों को भी ऐसे लगता है? यस सर। लगने वाली कोई बात ना है सर जी, अब जैसे हो वैसे ही तो लगेगो। सब ऑर्डर पे हम अपनी जान भी दे सकते हैं, पर ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, सिविलियंस और सोल्जर्स में फर्क होता है सर। मां के पेट से हर कोई सिविलियन ही पैदा होता है, सोल्जर वो बाद में बनता है ट्रेनिंग के बाद। करण, आम जनता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस देश के लोगों में बहुत जज्बा है। सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता सर, एक फौजी के लिए जरूरी है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक मिनट, मैं भी सॉरी, एक मिनट भाई साहब। कहां से मिलेंगे हमें ऐसे सिविलियंस? फौजी वो होता है जिस पर हम आग बंद करके भरोसा कर सके, जिस पे शक की कोई गुंजाइश ना हो। सच और झूठ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट और रॉन्ग। कभी कभी राइट करने के लिए सच को अपने बैकपैक में छुपाना बेटर है। एक फौजी के लिए सबसे जरूरी बात हो तो है अनुशासन, उसके बिना आदमी कतई निखट्टू हो तो है सर जी। तुझे पता है क्या है? टाइटैनिक है ब्रो, टाइटैनिक पानी पर चलेगा। नहीं ब्रो, नहीं, ये ले रहा है, नहीं हवा में उड़ा। शॉर्ट लगी, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे ब्रो? सिंपल है, मैं किक मार के स्टार्ट करता हूँ, अगर उड़ गया तो प्लेन है, अगर पानी पे तैर गया तो टाइटैनिक है। सही बोल रहा था ब्रो, ये तो प्लेन है। More beer, please. मैं सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ सर, उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। करण, तुम्हें उन्हें अपने लिए हैंडल नहीं करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है ताकि वो देश के काम आ सके। द मिशन इज ऑन। तुम लोग इस मिशन का हिस्सा हो या नहीं बता देना। यस मिस। तो सर जी, ये सुनने बुलाया आपने हमें हमारे गांव से। चाचा रिटायर हो गए, इन्हें बोलो आराम करने के लिए, हल्ते वल्ते मिशन बना रहे। मुझे भी नहीं पता रहा बत्रा सर के दिमाग में ये सब। हाँ तो बोलते हैं बत्रा सर को, मना कर देते कि हम इस मिशन के लिए रेडी नहीं है। मैं रेडी हूँ, बिल्कुल हूँ, रेडी भी हूँ और श्योर भी हूँ। बहुत जिले अपने लिए, अब टाइम आ गया है कि औरों के लिए भी कुछ करूँ, बिल्कुल मम्मा की तरह। पराक्रम है सेफ, वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मैंने पैकिंग भी कर ली है। नहीं, हमेशा की तरह आपसे परमिशन लेने नहीं आई, इस बार इन्फॉर्म करने आई हूँ। ये आपके हॉस्पिटल से मेरा ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर। दम तो होगा बंदी में जो तुम्हारे सामने इतने टाइम तक टिक गई। भाई हम तो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को हमारे एकेडमी में आना चाहिए। उसके लिए बेहतर यही होगा कि जिंदगी में कभी मेरे सामने वापस ना आए। Dil
था तो तुम्हें भी पता है कि तुम वहां टिक नहीं पाओगी. विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. दो चार दिन में वापस आ जाओगी. ये जो ऐशो आराम की जिंदगी इतनी आसानी से मिली है ना तुम्हें, ये सब छोड़ के कुछ कर नहीं पाओगी तुम. बताओगे क्या करने का इरादा है? कहीं और का गुस्सा कहीं और मत निकालो. ये मेरा गुस्सा नहीं है फैजी, ये मेरा प्यार है. ओ रगड़ा परेड. एक आधे लोग एकेडमी तक पहुंचने में धराशायी हो जाएंगे, जो बाकी बचेंगे उनका इंतजाम मैंने वहां किया हुआ है. बॉटम्स अप. पिकनिक पे आए हो क्या? उतरो सारे, ट्रेनिंग शुरू. चलो जल्दी. अब जल्दी चलेंगे. एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक. जल्दी से चार लाइन बनाएंगे सब. पीछे हो जाइए आप. जल्दी करिए. आप सीधे हो जाइए. सर जी सब आ गए. ये हमारे सर जी, स्पेशल एजेंट करण शेरगिल. हे यू. हे स्टे अप. ये आदमी गुंडागर्दी कर रहा था सर. मैं कोई चोर नहीं हूँ, एक ऑफिसर हूँ. इन्हें बिरयानी बहुत पसंद है. ये आप लोगों के हेड इंस्ट्रक्टर हैं. अभी भी मौका है, भागना है, भाग जाओ, वरना बहुत जल्द तुम्हारे नाम की बिरयानी बटेगी पूरी एकेडमी में. इसी के साथ तुम्हारा टॉक टाइम खत्म. इनका शुरू. डेट और टाइम नोट कर लीजिए. आप सबका बुरा वक्त शुरू होता है अब. क्या सर्कस चल रहा है वहां? आइए आप. आप शेरगिल का भाई जो मर गया था. मरा नहीं था, शहीद हुआ था. शेरगिल सर. रिक्रूट्स कहां हैं? सर करण ने उन्हें आफ्टरनून वॉक पे भेजा. ट्रैक करके आ रहे एकेडमी में. कहां से? जंगल से. करण, व्हाट इज दिस? वो ट्रैक को इतना इजी ट्रैक नहीं है कि पिकनिक पर चले गए. और ये जो सिविलियंस आए हैं ना, ये ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं. ऑलरेडी ट्रेन नहीं है. घना जंगल है, ऊपर खाबड़ रास्ते हैं, खाइयां हैं. कोई फिसल गया, गिर गया, चोट लग गई तो क्या होगा? वो भी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा काम उन्हें ट्रेन करना है सर, उनकी जान लेना नहीं. ओह थैंक गॉड, तुम्हें इतना तो याद है. बस में बैठे बैठे उन लोगों को नींद आ गई थी सर, उनको नींद से जगाना जरूरी था. लेकिन क्या जरूरत थी? करण, हम इन सिविलियंस को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर, ये अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, मोहल्ले को, शहर को प्रोटेक्ट कर सके.
हम उन्हें बॉर्डर पर लड़ने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। सर, मिशन के पर्पस को लेकर अगर मुझे कोई भी डाउट होता मैं खुद पर्सनली आपसे आकर पूछता। आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है सर, ट्रस्ट मी आई विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। चलो जिंगुरो। ट्रस्ट नहीं होता ना तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने तुम जैसी उल्टी खोपड़ी को खुद नहीं चुना होता। और एक बात याद रखना, जिस एकेडमी ने तुम और तुम्हारे बड़े भाई परम शेरगिल जैसे जांबाज काबिल कमांडोज इस देश को दिए हैं उस एकेडमी की साख का सवाल है। एंड वन मोर थिंग, इस मिशन के लिए मैंने अपने सारे मेडल्स दांव पर लगाए हैं। ये तो आंख बंद करके पार हो जाना चाहिए। माँ के पेट से सब सिविलियन ही पैदा होते हैं लेकिन सोल्जर वो बनता है जो ट्रेनिंग के लायक होता है। शकल देख नमूनों की। कौन आ रहा है पहले? #impossible ये जो तुम करने जा रही हो ना, अगर तुम उससे फेल हो गई तो रोते हुए वापस मत आना मेरे पास। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। रेडी? मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। क्यों दो? सर ये क्या मजाक चल रहा है सर? शेरगिल, कोऑपरेट, बी अ स्पोर्ट। सर, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 207। रॉन्ग, 206। रॉन्ग, एक फनी बोन भी होती है। रॉन्ग, वो बोन नहीं नर्व होता है, अल्ना नर्व। तुम्हारे कितने पैक्स हैं? आप फ्लर्ट कर रही हैं? सॉरी। 4 हैं, आई एम वर्किंग फॉर 6। रॉन्ग, सबके पास 6 पैक होती हैं। फॉर मोस्ट ऑफ अस दे आर हिडन अंडर द लेयर ऑफ स्किन एंड फैट्स। उनका नाम
सिक्स पैक? रॉन्ग, रेक्टस एब्डोमिनस। उनका काम? रॉन्ग। मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम कहते तो भी रॉन्ग ही होता। उनका काम होता है स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना सर। ऐसा कौन सा मसल है जो कभी नहीं था? हार्ट। ओके। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो उसकी बॉडी को कौन से पोजीशन में रखना चाहिए? ये तो सभी जानते, बंदे को सीधा लेटा दिया जाए। रॉन्ग। सिटिंग पोजीशन सर। वन लास्ट क्वेश्चन, जो हार्ट वाला सही आंसर तुमने दिया था वो तुम्हें आता था या तुमने तुक्का मारा? तुक्का। माय पॉइंट प्रूव्ड सर। क्या प्रूफ? सर मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूं जो सारे सवालों के जवाब जानता हूं। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट सर। स्पेशल एजेंट करण शेरगिल ने 5 साल कमांडो की ट्रेनिंग ली है, इसीलिए उन्हें हड्डियां तोड़ना अच्छे से आता है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं 5 साल मेडिकल पढ़ के ट्रेन डॉक्टर बनी हूं, इसीलिए मुझे उन्हीं हड्डियों को जोड़ना अच्छे से आता है। इसीलिए इनके पास कमांडो की यूनिफॉर्म है और मेरे पास डॉक्टर की। सर सर माय होल पॉइंट इज कि ट्रेनिंग से पहले किसी को जज करना कि उनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो यूजलेस है एटसेट्रा एटसेट्रा इज रॉन्ग सर। अगर मुझे ट्रेनिंग मिले तो मैं सब कुछ कर सकती हूं सर। एग्रीड, आई एग्री। कोई भी इंसान माँ के पेट, आई नो सर, कोई भी इंसान माँ के पेट से सिविलियन ही पैदा होता है, सोल्जर वो ट्रेनिंग के बाद बनता है। दिल जिद्दी है, दिल जिद्दी है, दिल जिद्दी है, दिल जिद्दी है। दिल में तूफान चलने दे, जोश कभी ना ढलने दे, इस बार मोहब्बत में दिल को सूली चढ़ जाने दे, थोड़ी मनमानी करने दे, लव शब में भी पढ़ने दे, इस खींचा तानी में जो होता है हो जाने दे। एक्सक्यूज मी, मेरा रूम नंबर कौन सा है? What? What the duck? खंचाल दादा, उसने आने से मना कर दिया। एक काम था आपके पास बस। किसने आने से मना कर दिया? मोनामी ने? Yes, yes, पॉपी। मतलब वो नहीं आ रही? वो नहीं नहीं, of course, वो आ रही है। पॉपी लड़कियां ना, आप तो जानते ही हो, वो शर्मा रही है, blushing। वो अभी रिलेशन अलग है ना, दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है, तो she's blushing। आएगी आएगी, जरूर आएगी। कल रात को अगर मोनामी डिनर पर नहीं आई तो तुम जाओगे सीधा डेयरी फार्म, समझे? का मतलब है सांस भी ले रहे हो तो वो भी छोड़ के तुरंत अकेडमी चौक में जमा हो। करण सर ने इस टाइम बुलाया है तो तैयार रहो, तुम सबका हूटर भी बन सकता है। सुनो है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म और हमारी यूनिफॉर्म में ज्यादा अंतर ना है। जे भी सुनो है कि तुम ट्रेनिंग के बाद कते तोपची तुर्रम कमांडो बन जाओगी। तुम्हारे सची गॉसिप भी कर सा है। आई डिड नो दैट। पता तो तुम्हें ये भी नहीं है कि करण सर जी के साथ पंगा लेकर तुमने हम सबसे पंगा ले लो। ये नए रिक्रूट्स के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? पक्का करो? 100%। Thank you.
1700 आज तक आपको गेट के इस तरफ होना था, अब नहीं आई, अब घर जा सकती। घर जाके हैशटैग डालिएगा, पापा की परी, बैक टू माय पैराडाइज। ये एकेडमी रूल्स और डिसिप्लिन पे चलती, आर्ग्यूमेंट्स और एक्सक्यूजेस पे नहीं। आप लोगों की सारी फेवरेट चीजों को इस आग के भेंट चढ़ना होगा। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी इतनी आसानी से मिली है ना तुम्हें, ये सब छोड़ के कुछ कर नहीं पाओगी तुम। दो दिन में घर वापस आ जाओगे। बेस्ट फट्टू का अवार्ड होगा ना तुझे मिलता। बेस्ट फट्टू का नहीं, बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलेगा मुझे, देख लेना। वैसे काफी अच्छे फ्रेंड्स लग रहे हो तुम दोनों। बेस्ट बडीज, तुम ट्राई करोगे? ऐसे नहीं, अच्छे से जोर से कस के। हाँ कर रहा हूं। और इससे होता क्या है? सेल्फ पैम्परिंग, यू नो लाइक डी स्ट्रेस। दे आर वेरी गुड लिसनर्स। जो मन में है सब निकाल दो। जी सिर्फ CO2 नहीं, सब कुछ अब्सॉर्ब करते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। इट्स थेरेप्यूटिक। तुम भी ट्राई करो। उसे भी तो समझना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसको क्या कैसे नहीं होता है? अरे खुल के बोलो, जिसको फॉर इट। खड़ूस एक नंबर का, उल्टी खोपड़ी सही बोलते हो उसे। अरे अल्लाह मियां ने एक मुंह और दो कान दिए, ना कान से किसी की बात सुननी है और ना मुंह से किसी को कुछ बोलना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अरे हंस के रही हो, तुम्हारी बारी है। ये तो चीटिंग है, हमारी सुन ली अपनी छुपा रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बहुत कुछ प्रूफ करना है पापा को, तुम्हारी फ्रेंड उल्टी खोपड़ी। सॉरी लेकिन डर लग रहा है, पता नहीं ट्रेनिंग सरवाइव कर पाऊंगी भी या नहीं। रॉन्ग क्वेश्चन, कर पाओगी या नहीं ये सवाल नहीं होना चाहिए, करना चाहती हो या नहीं ये सवाल होना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहते हो। बस तो फिर हो जाएगा। और हाँ तुम करण की टेंशन मत लो, अरे वो नारियल है, बाहर से कड़क और अंदर से पानी। तुम दोस्त बहुत अच्छे हो, इतनी बुराई की और नारियल बोल के सब बैलेंस आउट करते। अरे करण भी बहुत अच्छा है। हाँ बस धीरे धीरे तुम उसे समझ जाओगे, लेकिन तब तक मेंटेन सेफ डिस्टेंस। और हाँ किसी को बताना मत कि हमने इस पेड़ को हक किया था। वैसे ही सबको लगता है कि हम स्ट्रिक्ट नहीं है और हमें हल्के में ले लेंगे। ₹62 के लिए बच्चे की जान लोगे क्या? लौटा दूंगा ना सर जी। कैसे लौटाएगा, किसी और से चोरी करके? माँ के पेट से कोई चोर पैदा नहीं होता, हालात इंसान को चोर बना देते हैं। सुबह से देखो जिसको डायलॉग मार रहा है। कैसे हालात भाई? वही सर जी, बूढ़ी माँ, कुंवारी बहन और अपाहिज बाप। ये जो तेरे मोबाइल पे पिक्चर देख रहा है ना, इसको कर दे बंद और मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मुझे। अरे कहाँ लेके जाओगे इतनी नफरत सर जी, दुनिया को नफरत की नहीं प्यार की जरूरत है। दुनिया को झूठ की नहीं सच की जरूरत है। थैंक यू सर। तेरा सच बताऊं तुझे, दो पैसे की मेहनत नहीं करनी तुझे, सिर्फ अय्याशी करनी। मेहनत तो होती नहीं तो चोरी कर लो, और उस चोरी के पैसे से क्या करता है? शराब और सुट्टा, यही है ना तेरी जिंदगी। जोक मारा मैंने। मुझ जैसों की मजबूरी आपको जोकी लगेगी सर जी। सेंटी डायलॉग मारना बंद कर और बात बता,
ये सब अकेले करता है या तेरी ये बूढ़ी माँ, अपाहिज बाप, कुंवारी बहन सबका गैंग है? कोई बड़ी गैंग नहीं सर जी, सिर्फ सपने बड़े थे मेरे। उधर झुंझुनू में बस अड्डे तक जाओ तो गाँव खत्म हो जाता था। मेरे को लाइफ को झंडे नहीं जिंगल आला बनाना था, इसलिए झुंझुनू से बड़े शहर आया। लेकिन उधर आके सब चौपट, छोटी सी कोली और बाजू में गंदा सा नाला। कोई बिग ब्रदर तो था नहीं जो बताए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, मेरे को जो समझ में आया मैं किया, तो बन गया चालू पुर्जा। और हाँ, करता हूँ मैं चोरी, आपको मेरे को जेल में डालने का ना तो डाल दो, कम से कम दो टाइम का खाना तो मिलेगा फ्री में। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।